देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। इस वक्त में जब इतनी बड़ी महामारी है, केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन को किस तरह, ये समय सरकारें गिराने का या अधिकारियों की पावर्स या नेताओं की पावर्स लेने का नहीं है, ये समय दिल्ली और देश को बचाने का है। हमारा हमेशा ये कहना रहा है कि चुनी हुई सरकार का सम्मान करना चाहिए, भले वो किसी की भी हो। केजरीवाल जी और उनकी सरकार एकदम विफल हो गई है। दिल्ली में अच्छी हेल्थ सर्विसेज देने में दिल्ली के लोग परेशान हैं, परंतु जिस तरीके से वो चुन के आए हैं, ये तरीका गलत। केंद्र सरकार ने GNCT एक्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली के अब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दिल्ली के LG हैं। संसद सत्र के दौरान BJP सरकार ने इस बिल को पास किया था और जिसके बाद उस वक्त बहुत हंगामा हुआ था। कहाँ तो दिल्ली को एक तरफ एक फुल स्टेटहुड की बात हो रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि जो पावर CM के पास भी यानी अरविंद केजरीवाल के पास भी था, अब उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दिल्ली के LG हो गए। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभिषेक दत्त हैं। ऐसे वक्त में जब इतनी बड़ी महामारी है, केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन को किस तरह से देखिए, लोकतंत्र की हत्या है। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले साल भी जब पहली बार लॉकडाउन अनाउंस हुआ, डिलेड लॉकडाउन अनाउंस हुआ, वो इसलिए हो कि मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी। ये समय सरकारें गिराने का या अधिकारियों की पावर्स या नेताओं की पावर्स लेने का नहीं है, ये समय दिल्ली और देश को बचाने का है। आज दिल्ली के अंदर हर मिनट कोविड से मौत हो रही है, लोगों के पास बिस्तर नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, यहाँ तक कि चिताओं के लिए भी 48-48 घंटे वेट करना पड़ रहा है। आज मिलकर दिल्ली को बचाने का समय है और हमारा हमेशा ये कहना रहा है कि चुनी हुई सरकार का सम्मान करना चाहिए, भले वो किसी की भी हो। ये बात स्पष्ट है कि केजरीवाल जी और उनकी सरकार एकदम विफल हो गई है। दिल्ली में अच्छी हेल्थ सर्विसेज देने में दिल्ली के लोग परेशान हैं, परंतु जिस तरीके से वो चुन के आए हैं, ये तरीका गलत है। नहीं, सवाल यही है कि संसद से तो ये पास हो गया था, देर सवेरे नोटिफिकेशन आना ही था, लेकिन कोविड जब इस तरह से पीक पे है देश की राजधानी में, और कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को ये फटकार लगाया कि अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता है तो सब केंद्र के हाथ में दे दे, तो केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। देखिए, केंद्र एक बार जब पार्लियामेंट में जिस तरीके से बिल पास हुआ था, आपको उस समय भी याद है बहुत हंगामा हुआ किस तरीके से पास हुआ, परंतु आज समय लड़ाई का नहीं है। आज इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाई की वजह से दिल्ली खराब और बर्बाद हो चुकी है। मैं माफ़ी चाहूँगा, जब मैं रोडों पे परिवारों को देखता हूँ, प्रति मिनट एक फ़ोन आता है कि कमरा नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, और इंजेक्शन काला बाजारी में 40,000 का 30,000 का मिल जाएगा, परंतु प्रिस्क्रिप्शन के बाद इंजेक्शन नहीं मिलेगा। तो इन व्यवस्थाओं को देखना सरकारों की जिम्मेदारी है। एक महीने बात कर देते, 20 दिन बात कर देते, और अगर कोर्ट का मानना एकदम सही है, कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट के नाम पे केजरीवाल जी ने झूठ बोला कि कोर्ट की तरफ से रिक्वेस्ट रही है इनके लिए कमरे बुक करने के लिए 5 सितारा होटल में, वो एकदम गलत है। परंतु आज समय दिल्ली को बचाने का है, आज दिल्ली को उजाड़ने का नहीं है। आपको लगता है कि अब तो जब नोटिफिकेशन जारी हो गया तो अब केजरीवाल को या उनकी सरकार को ये कहने का या एक्सक्यूज का मौका मिलेगा कि अब तो सारे पावर LG के पास है, वो और अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे? देखिए, केजरीवाल जी का ढोंग, केजरीवाल जी का झूठा प्रचार दिल्ली के लोगों के सामने आ गया है। 14 महीने के लॉकडाउन में केजरीवाल जी ने केवल और केवल 700 से 800 करोड़ रुपए प्रचार में लगाया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ राजस्थान सरकार का। राजस्थान सरकार ने इस लॉकडाउन के बीच में 37 PSA प्लांट, जिसमें से 24 ऑपरेशनल और 13 ऑपरेशनल होने वाले हैं, 8 बड़े ऑक्सीजन स्टोरेज के प्लांट्स बिना केंद्र सरकार की मदद के लगाए, और यहाँ केजरीवाल सरकार को केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा, परंतु ये मिलकर एक भी चालू नहीं कर पाए। उसका नतीजा है आज दिल्ली के लोग परेशान हैं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस अध्यक्ष ने आप लोगों को, सबको, हर प्रदेश को ये कहा है कि वो कंट्रोल रूम सेटअप करे, लोगों की मदद करे, लोगों तक रीच आउट करे, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जो दिख रहा है कि देश की राजधानी की तस्वीर, इसमें तो श्मशान घाट में, क्रिमोटोरियम में भी लोगों के लिए लाइन लगी हुई है डेड बॉडी जलाने के लिए, तो आप लोग किस तरह से रीच आउट? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष ने पहले भी लॉकडाउन के समय और जब जब देश में आपदा आई है, कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करी है। आज सभी प्रदेशों में एक वॉर रूम में, इसलिए कह रहा हूँ कि वॉर फ्रंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें भले ऑक्सीजन प्रदान कराना हो, संक्रमित परिवारों तक खाना पहुँचाना हो, हॉस्पिटल बेड को ऑर्गेनाइज करना हो, सब जगह हम ग्रास रूट लेवल पे मिलकर सब काम करें। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सरकारों तक इनके सारा का सारा डेटा दें और ये इंश्योर करें
कि ये कमरे इनको मिले, सुविधाएं मिले। अगर आज दिल्ली बच गई तो आने वाले समय में दिल्ली के लोग याद रखेंगे इस दुख की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी ने आलोचना नहीं करी, आगे बढ़कर मदद भी करी। धन्यवाद। तो साफ तौर से अभिषेक दत्त साफ कह रहे हैं कि आज के दौर में जिस तरह से हम लोग मदद करेंगे तो आने वाली नस्ल जो है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो ये याद रखेगी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक सकारात्मक भूमिका इस महामारी और पेंडेमिक के दौर में किया, और जिस तरह से GNCT एक्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है उस पर अभिषेक का ये कहना है कि ये वक्त नहीं था कि आपस में पावर ट्रांसफर को लेकर स्ट्रगल किया जाता, ये वक्त मिलजुल कर लोगों की मदद करने का था। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94 647 84374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने, 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह, मेरे कीते नू मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाहा प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, नौकरी, कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो तन मिलेगा जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटोमैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 98 788 0485 588 38 617।